डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स लेवल एथलेटिक मीट 2019 का समापन रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। सिंथेटिक ग्राउंड अनु में बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राकेश शर्मा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहे। बच्चों ने उनके स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किया, जिसमें देशभक्ति के नृत्य सत्यमेव जयते ने भी शानदार प्रस्तुति दी। इस मौके पर मुख्य अतिथि राकेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के लिए खेलें अभिन्न अंग हैं। खेलों से सहयोग की भावना और खेल मन और मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त बनाता है। डीएवी की परंपराओं में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मुख्य केंद्रित रहता है, इसलिए डीएवी संस्थान के विद्यार्थियों को खेलों में भी मन चढ़कर भाग लिया जाता है। इस मौके पर डीएवी प्रिंसिपल विश्वास शर्मा ने विद्यार्थियों को स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान डीएवी मंडी के प्रिंसिपल एवं एआरओ कुलदीप गुलेरिया ने विद्यार्थियों को मेहनत और चरित्र निर्माण के साथ खेलों में रुचि बढ़ाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन लड़कों की 4x400 रिले दौड़ के मुकाबले में डीएवी हमीरपुर की रिले टीम ने प्रथम स्थान, डीएवी सुंदरनगर की टीम द्वितीय और डीएवी पालमपुर तृतीय स्थान पर रहा। वहीं लड़कियों में हमीरपुर प्रथम, डीएवी बरमाणा द्वितीय और डीएवी कांगो तृतीय स्थान पर रहा। अपने शानदार प्रदर्शन से डीएवी हमीरपुर की लड़कियों और लड़कों को ओवरऑल बेस्ट ट्रॉफी भी दी गई। प्रतियोगिता में डीएवी हमीरपुर की उड़नपरी बबीता ठाकुर ने अपने शानदार प्रदर्शन से लड़कियों में बेस्ट एथलीट का खिताब अपने नाम किया। वहीं डीएवी गिरोह के होनहार व तेज धावक आयुष को लड़कों में बेस्ट एथलीट का खिताब भी दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन हमीरपुर द्वारा अग्निशमन और होमगार्ड के सहयोग से बस स्टैंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को आग लगने व राहत व बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। लोगों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने और आग बुझाने की विधि के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। होमगार्ड द्वारा इस अवसर पर आपदा के समय ऊंची बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। जिला आपदा प्रबंधन की जिला समन्वयक समीक्षा शर्मा ने बताया कि 11 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किए जाने वाले समर्थ अभियान के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इससे पहले उपमंडल स्तर पर 11 अक्टूबर को इसी प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मंडल की उपमंडल की 2 पंचायतों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आपदा में बचाव के तरीकों की जानकारी भी दी गई। यह अभियान जिला में 16 से 20 अक्टूबर तक भी आयोजित किया जाएगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। हमीरपुर के लम्बलू में शरद पूर्णिमा की रात को तैयार खीर में मिली निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं और यही कारण है कि आज शरद पूर्णिमा के बाद खीर का सेवन करने के लिए सुबह से ही भीड़ जमा हो गई है। खीर खाने के लिए पूरे हिमाचल समेत बाहरी राज्यों से भी लोग आज के दिन लम्बलू में पहुँचे। गौरतलब है कि पिछले 21 सालों से इस तरह शरद पूर्णिमा के बाद दमा, खांसी, एलर्जी के मरीजों को दवाई निशुल्क खिलाई जाती है और इस दवाई का सेवन करने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू होता है। यही कारण है कि हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। माना जाता है कि दमा रोगियों के लिए तो
ये खीर रामबाण का काम करती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का अपना महत्व है और खीर को बनाकर पूरी रात भर चांद की रोशनी में रखा जाता है और जो ओस इस खीर पर आकर पड़ती है वह काफी लाभकारी मानी जाती है। बाद में खीर में जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधि दवाई मिलाई जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर तिलोक शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर रात भर चांद की रोशनी में रखी जाती है और दूसरे दिन सुबह से ही खीर में दवाई मिलाकर मरीजों को खिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से दवाई मरीज को दी जा रही है और इसे खाने से काफी हद तक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। चमत्कारी खीर खाने के बाद राहत महसूस करने वाले लोगों ने बताया कि गत काफी सालों से खीर में मिली दवाई खाने से सांस, दमा और दूसरी एलर्जी वाली बीमारियों से निजात मिली है। दमा के मरीजों ने बताया कि सालों से खीर का सेवन करते आ रहे हैं और खीर में मिली दवाई का सेवन करने के लिए बीमारी से निजात मिलती है। उन्होंने बताया कि शरद पूर्णिमा के अगले दिन मंदिर आना नहीं भूलते हैं, क्योंकि दवाई का सेवन साल भर बीमारी से दूर रखता है।